बनाते हैं वुलन मार्क्स बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जीरो से लेकर मैंने इधर मैंने पूरे टोटल फंदे हैं मेरे 15, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डोरी बनाने जा रही हूँ। मेरी पाइपिंग में मैंने जो है 60 रो ले ली है। ये आपने मतलब जैसे बेबीज़ है उसके लिए कम रखनी है, मेंस वुमेंस फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मेरे यहाँ पर 15 फंदे थे ना, तो टोटल फंदा 15 ही फंदे मैंने उठाते हुए जाना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने राइट और लेफ्ट यहाँ पर हर सिलाई से एक एक फंदा मैंने बढ़ाते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मैंने राइट एंड लेफ्ट से जो है बढ़ा दिए हैं। अब मैं जस्ट यहाँ पर 10 या 12 रो जो है मैं सीधे सीधे लूँगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, ट्रक लीवर का इस्तेमाल करना है। राइट एंड लेफ्ट से जो है हमने एक एक फंदा बाहर की ओर निकालते हुए जाना है, ठीक है, इस तरह से। फ्रेंड्स, 1 by 1 करके मैंने सारे फंदे बाहर की ओर कर दिए थे। अब ये फिर मेरे बैक साइड को जाएंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी आपको, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है अब मैंने 12 रो जो है प्लान ले लिया है। अब मैंने कैसे करना है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ बढ़ाए थे वैसे मैंने यहाँ पर जो है लेस करते हुए जाना है। हर बारी में मैंने बढ़ाए थे ना, हर बारी में एक एक फंदा जो है मेरा अंदर की ओर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, लेस करके यहाँ पर मेरे बच गए 30 फंदे। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर 15 जो 15 फंदे थे मैंने 15 यहाँ उठाए थे, तो 15 वालों को मैंने जो है नहीं भूनना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और मैंने ली थी 16 रो, तो मैंने यहाँ लेनी है, फिर पिनअप करना है इस वाले को, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक ही पिन में ये 15 फंदे जो है मैंने निकाल दिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसे इस तरह से, ठीक है, फिर अगेन क्या करना है, मैंने फिर दोबारा से उन्हीं में मैंने इसे जो है ट्रांसफ़र कर लेना है 15 के 15 को, इस तरह से 1 by 1। इस तरह से ये बारीक क्रोशिया वाला धागा है। और अब हम इसके अंदर जो है कपड़ा लगाएंगे, कपड़े के अंदर हम कपूर रखेंगे, जिससे जो है हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और फिर कोई एलर्जी भी नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये वाले जो फंदे अब इसके ऊपर ट्रांसफ़र करने हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का है, तो ये हमने अंदर की ओर रखना है और फिर इसके अंदर कपूर भर लेना है। फिर मैंने कपूर भर के इसके अंदर कपूर डाल देना है और फिर पिनअप करना है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। इस तरह से यहाँ पर कपूर डाल देना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पाइपिंग को भी बंद कर लिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो, ठीक है, रबड़ वगैरह यूज़ कर सकते हो, जो बेबीज़ के पतले रबड़ रहते हैं ना, तो यूज़ कर सकते हो लूज एंड टाइट के लिए। तो मैं तो सिर्फ जस्ट जो है धागे का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसे इस तरह से खींच के जो है ये गैदरिंग हो जाएगी, ठीक है, इसे मतलब पक्का रहेगा, ये फिक्स ऐसे रहेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कपूर डाल दिया और पिनअप कर दिया इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और अब मैं जो ये कपड़ा है इसको यूज़ करने जा रही हूँ, सेम इसके
इसके नाप का पूरा काटना है, फिर मैं इसे पिनअप करके बता लेती हूँ आपको। इस तरह से मैंने जो है कपड़ा लगा दिया है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आपने जो है लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट देना है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, तो देखिए जी मेरा ये मास्क रेडी हो चुका है और कपूर की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन के बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। नैन्सी हाय बोलो, नैन्सी सो गई।